Hello friends, heartily and warm welcome on my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I wish अच्छे होंगे. ये मेरा YouTube channel है way2jrf और मैं हूँ आकांक्षा सिंह. I am pursuing PhD from वसंतराव नाईक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड I had qualified both NET and SRF. आज का टॉपिक है एनिमल प्रोटीन फाइबर में वूल पढ़ने वाले हैं. वूल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड ऑल. एंड विद लास्ट में है प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. way2jrf, लेट्स क्रैक इट. यह है आउटलाइन जो आज वीडियो में कवर करने वाले हैं. क्या क्या कवर करने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वूल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द लास्ट ऑफ द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. वूल. वूल इज़ द टेक्सटाइल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सीप एंड अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग कैशमेयर एंड मोहर फ्रॉम गोट. वूल मीन्स ऊन. ऊन को सीप से प्राप्त किया जाता है, मीन्स भेड़ से. कुछ और एनिमल्स, जानवर्स हैं जैसे कैशमेयर एंड मोहर, ये सब बकरी, गोट, गोट की प्रजाति हैं या गोट की स्पीसीज हैं जिनसे ऊन को प्राप्त किया जाता है. वूल फाइबर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन नोन एज केराटिन. वूल फाइबर जिस प्रोटीन से बना होता है उसको कहते हैं केराटिन. जितने भी एनिमल फाइबर्स हैं वो सभी प्रोटीन से बने होते हैं. तो जो वूल फाइबर है, वूल जिस प्रोटीन से बना होता है उसको कहते हैं केराटिन. एंड हाँ, जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है ये कलर से, इसको ज़रूर और ध्यान से पढ़ना. वूल्स स्केलिंग एंड क्रिम्प मेक इट इजियर टू स्पिन सो दे स्टे टुगेदर. वूल्स में जो स्केल्स और क्रिम्प्स होते हैं ये हेल्प करते हैं स्पिन करने में. वूल को स्पिन करने में मीन्स ट्विस्ट करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्रिम्प और स्केल्स. ये वूल का फाइबर है. इसके ऊपर जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये है स्केल्स. जैसे नॉर्मल ह्यूमन हेयर्स हैं, जो बाल होते हैं उनको देखो, कभी कहीं कहीं पे वो अनइवन स्ट्रक्चर. उस बाल, एक बाल को उंगली से पकड़ो उसको ऐसे देखो तो उसमें कहीं कहीं पे अनइवन स्ट्रक्चर लगता है. जो वो अनइवन स्ट्रक्चर और रफ रफ जैसा लगता है वो होते हैं स्केल्स. और जो कर्ली हेयर्स होते हैं, जैसे कर्ल होते हैं ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं क्रिम्प्स. तो ये स्केल्स और क्रिम्प्स वूल को स्पिन करने में, ट्विस्ट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. तो वूल की ट्विस्टिंग स्पिनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रॉपर्टी है वो है स्केलिंग और क्रिम्प. और स्केल्स सिर्फ और सिर्फ वूल में ही प्रेजेंट होते हैं. इंटरलेसिंग ऑफ वूलन फाइबर इज़ नोन एज निटिंग. जैसे वूलन फाइबर्स में होता है इंटरलेसिंग, और ऐसे ही सेलुलोज फाइबर्स में होता है इंटरलॉकिंग. जो सेलुलोज फाइबर में इंटरलॉकिंग होता है उसको बोलते हैं वीविंग, WEAV, ठीक. एंड जो वूल में होता है इंटरलेसिंग उसको बोलते हैं निटिंग. तो दोनों की स्पिनिंग के बाद फाइबर बनाने की जो प्रोसेस है वो अलग है. वूल में होता है निटिंग और सेलुलोज फाइबर्स में होता है वीविंग. उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. शियरिंग. शियरिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द वूलन फ्लीस ऑफ द सीप इज कट ऑफ. जो ये देखो यहाँ पे देखा है, ये भेड़ जो हैं, सीप हैं, इनके ऊपर स्किन पे देखो कितने सारे हेयर्स. ये हेयर्स जैसे हैं, इन हेयर्स को कट करके बाहर निकालना इसको कहते हैं शियरिंग. और जो हेयर्स को कट करके, जो ये भेड़ नॉर्मली ईयर में दो बार शियरिंग होती है, और शियर करके जो ये हेयर्स को बाहर निकालते हैं, कट करके बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं फ्लीस. जो भेड़ को सीयर करके उनके बालों को काट के बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं फ्लीस. द पर्सन हु रिमूव्स द सीप वूल इज कॉल्ड शियर. जो आदमी ये काम करता है, जो पर्सन ये काम करता है कि भेड़ के बाल को काट के बाहर निकालना, उसको कहते हैं शियरर. और दूसरे टाइप की वूल और सेकेंड टाइप की वूल है पुल्ड वूल. ये दोनों टर्म्स फ्लीस और पुल्ड वूल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पुल्ड वूल क्या होता है? वूल टेकन फ्रॉम द साइड ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल एंड इज इन्फीरियर क्वालिटी. जो एनिमल मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं उनसे जो वूल निकालती हैं, उनसे जो वूल प्राप्त करते हैं, उससे जो फाइबर्स निकालते हैं, लिए जाते हैं, उनको कहते हैं पुल्ड वूल.
और ये इन्फीरियर क्वालिटी की होती है। मेनली जो भेड़ जिनको जिंदा रखते हैं उनकी सीयरिंग साल में 2 बार उनसे उनके हेयर्स को कट करते हैं उसको कहते हैं फ्लीस वूल। और जो जानवर मर जाने के बाद जैसे मीट फैक्ट्री में है, मीट लेने के लिए जानवर उसको मार देते हैं, वहाँ से जो हेयर्स या फाइबर्स कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पुल्ड वूल। और ये पुल्ड वूल थोड़ी सी इन्फीरियर क्वालिटी की होती है, मीन्स थोड़ी सी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं होती है, ख़राब होती है। जो फ्लीस वूल के कंपैरिजन में पुल्ड वूल की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है। उसके बाद आता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। जब वूल फाइबर्स को इकट्ठे कर लिया, अब इकट्ठे होने के बाद उसको ग्रेड करते हैं। ग्रेड मीन्स जैसे क्लास में ग्रेडिंग होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे ही ग्रेडिंग होती है वूल की कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा कम अच्छा है। तो ग्रेडिंग होती है उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, मीन्स जो ज़्यादा जिन फाइबर्स की लेंथ ज़्यादा है उनको एक जगह रखेंगे, जिन फाइबर्स की लेंथ थोड़ी कम है उनको एक जगह रखेंगे। देन फाइननेस, कौन से फाइबर ज़्यादा फाइन हैं ज़्यादा साफ़ हैं उनको अलग रखेंगे। देन इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स जो रबर जैसे जो खींचते हैं, जो फाइबर्स थोड़े से स्ट्रेच होते हैं जिनमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है उनको अलग रखते हैं। और जो स्ट्रेंथ, जो फाइबर थोड़े मजबूत होते हैं, फ्लीस वूल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है और पुल्ड वूल की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, कम अच्छी होती है। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग करके क्लासीफाई करके रखते हैं, उसको कहते हैं ग्रेडिंग। देन आता है स्काउरिंग। यहाँ तक सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग तक फाइबर्स को अलग अलग करके इकट्ठा कर लिया। अब फाइबर इकट्ठा होने के बाद क्या करना है, अभी कहाँ कहाँ से फाइबर्स इकट्ठे किए, भेड़ जैसे जो भी है, सीप है, गोट है, बकरी, ये सब जंगल में घूमते हैं इधर उधर, तो फाइबर्स जो है बहुत गंदे हो जाते हैं, में डर्ट होती है, लकड़ियाँ होती हैं, तो इकट्ठा तो कर लिया, अब ये डर्ट लकड़ी या जो गंदे हैं फाइबर्स इनका क्या करना है, तो इसके लिए करते हैं स्काउरिंग। स्काउरिंग मीन्स वॉशिंग ऑफ रॉ वूल, जो ये फाइबर्स इकट्ठे किए हैं उनको वॉश करना अल्कलाइन सोल्यूशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अल्कलाइन सोल्यूशन कि स्काउरिंग में फाइबर्स को जो साफ़ करते हैं तो किस में करते हैं, धोते हैं, वो अल्कलाइन सोल्यूशन में वॉश करते हैं। जब अल्कलाइन सोल्यूशन में धोते हैं उसमें अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या क्या आता है, एक तो सोल्यूशन केमिकल सोल्यूशन होगा, या फिर गर्म पानी, सोप या माइल्ड सोल्यूशन, इसमें गर्म पानी साबुन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है स्काउरिंग का, रिमूव डर्ट एंड ऑयल, जो नेचुरल ऑयल जैसे हेयर्स को कई दिन तक वॉश ना करो तो उसमें ऑयलिंग ऑयलिंग वो कितने चिपचिप होने लगते हैं, ऑयल आ जाता है, तो वही ऑयल ये फाइबर्स पे भी होता है, वो फाइबर पे वो ऑयल और डर्ट को रिमूव करने के लिए, डर्ट और ऑयल को साफ़ करने के लिए स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग ये किया था अल्कली प्रोसेस में, मीन्स जिसकी pH 7 से ज़्यादा, जब pH जैसे pH 7 से ज़्यादा है तो ये इधर अल्कली हो जाएगा और pH 7 से कम है तो इसे एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब स्काउरिंग से किया तो फाइबर अल्कली नेचर से, अल्कली सोल्यूशन से साफ़ किया तो फाइबर हो गया अल्कलाइन। अब अल्कलाइन फाइबर को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, उसको फिर से एसिड से धोएंगे। तो स्काउरिंग के बाद प्रोसेस आती है कार्बोनाइजिंग, एंड कार्बोनाइजिंग में फाइबर को एसिड से वॉश करते हैं। जैसे स्काउरिंग में डर्ट और ऑयल रिमूव हो गया, अब जो लकड़ी छोटे छोटे तिनके ये सब बचे हैं फाइबर में वो साफ होंगे कार्बोनाइजिंग से। एसिड जो है इन लकड़ियों को हार्ड कर देगा, जो उसमें लकड़ी या छोटे छोटे तिनके जो भी फाइबर्स में प्रेजेंट हैं उनको हार्ड कर देगा। जब वो हार्ड हो जाएंगे तो उनको क्रश करने पे वो आराम से टूट के निकल जाएंगे। तो कार्बोनाइजिंग में मेनली एसिड से वॉश करते हैं, और जो एसिड यूज़ होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट फॉर्म में, कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट फॉर्म में एसिड को यूज़ करते हैं। तो पहले हो गया स्काउरिंग, स्काउरिंग में अल्कलाइन सोल्यूशन में फाइबर्स को वॉश करना, एंड कार्बोनाइजिंग में एसिडिक सोल्यूशन में फाइबर्स को वॉश करना। वॉश करने के बाद उनको सुखा लेना, फिर इकट्ठे करके रखना। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद, कार्बोनाइजिंग के बाद आता है कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। कार्डिंग याद होगा, फाइबर्स को एक साथ सेलुलोजिक कॉटन की प्रोसेस में पढ़ा था कि फाइबर्स को पैरेलल एक साथ अरेंज करना और उसमें जो भी डर्ट या कुछ बच गया है उसको रिमूव करना, ये कार्डिंग और कॉम्बिंग। तो कहते हैं कॉटन के, कॉटन में सेलुलोजिक प्रोसेस में
और वुलन प्रोसेस में इसको एक और नाम दिया गया है, कार्डिंग को कहते हैं वुलन यार्न एंड कॉम्बिंग को कहते हैं वस्टेड यार्न। कार्डिंग स्पेशली यार्न्स को पैरेलल करता है, उनको एक साथ अरेंज करता है, जो उसमें थोड़ी बहुत गंदगी रह गई है, डर्ट रह गई है, उसको रिमूव करना। उसके बाद आता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग जैसे कंघी से जब बाल कॉम्ब करते हैं तो जो भी कुछ बाल हेयर फॉल या कुछ अटका हुआ है बालों में तो वो निकल जाता है, तो ऐसा ही मेन कॉम्बिंग की प्रोसेस यहाँ पे है। बालों को या फिर जो भी फाइबर्स हैं, फाइबर्स को ज़्यादा स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट कर देता है, और जो इसमें छोटे छोटे कहीं कहीं पे कुछ छोटे छोटे फाइबर्स हैं तो वो छोटे छोटे फाइबर्स को अलग कर देता है। तो कॉम्बिंग से ज़्यादा फाइन, ज़्यादा स्ट्रेट फाइबर्स मिलते हैं। तो जो कॉम्बिंग या फिर वस्टेड यार्न जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, फाइन होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो सेलुलोज की जो प्रोसेस होती है उसमें कहते हैं कार्डिंग, और वुलन की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं वुलन यार्न, और कॉम्बिंग को बोलते हैं वस्टेड यार्न। उसके बाद आता है ड्रॉविंग। ये ड्रॉविंग कॉटन में भी पढ़ा था, सेलुलोज में भी। तो ड्रॉविंग का मेन, जब कॉम्बिंग के बाद ये फाइबर्स ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में फाइबर्स हमको मिल गए, इकट्ठे हो गए, तो इन फाइबर को ये रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाना, ये रस्सी लाइक स्ट्रक्चर बनाने को कहते हैं ड्रॉविंग। ये है ड्रॉइंग, ड्रॉविंग यार्न्स फाइबर्स, ठीक है। इन फाइबर्स को एक सिलेंडर में रखते हैं, जैसे ये सिलेंडर्स जैसे दिख रहे हैं ब्लू ब्लू, तो इन सिलेंडर्स में रखते हैं। उसके बाद आती है रोविंग। ये यहाँ पे रोविंग प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे रोलर्स हैं। ये जो ड्रॉविंग वाला फाइबर जो आ रहा है यहाँ पे, इसमें थोड़े थोड़े से ट्विस्ट देना या स्पिन करना, वो छोटे थोड़े ट्विस्ट करना, स्पिन करना, जिससे फाइबर्स एक साथ इकट्ठे हो जाएं, एक साथ रहें, इकट्ठे हो जाएं, इसको कहते हैं रोविंग। रोविंग के बाद फाइनल स्टेप आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग यहाँ पे ये रोविंग, इसके बाद ये फाइबर इकट्ठा होके इसको स्पिन करेंगे। स्पिन मीन्स ज़्यादा ट्विस्ट, फाइन ट्विस्ट, मतलब बहुत सारे उसमें फाइन ट्विस्ट देंगे, स्पिन करेंगे, और जो ऊन मार्केट में आती है वो स्पिन वून, स्पिन की हुई वूल होती है, लाइक उस टाइप का फाइन स्ट्रक्चर देना, उसको कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग से यार्न जो है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, एक यूनिफॉर्म ऊन मिलती है, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। स्ट्रेंथ, जो वूल है वो सेलुलोज फाइबर से स्ट्रांग फाइबर्स होते हैं, जो वूल के फाइबर हैं ये सेलुलोज फाइबर से स्ट्रांग होते हैं। वेट वूल, जो गीली ऊन होती है, लूजेज अबाउट 25% ऑफ स्ट्रेच स्ट्रेंथ। जो गीली ऊन होती है सूखी ऊन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमज़ोर होती है, थोड़ी कम इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, 25% इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। रेजिलेंसी, वूल हाईली रेजिलेंट होती है। रेजिलेंसी मीन्स जैसे किसी कपड़े को डिफॉर्म कर दिया या उसमें सिलवट बना दी है, उसको उसमें उसकी क्रीज खराब करके उसको फिर से हैंगर पे टांग दो। हैंगर पे टांगने के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जैसे वो पहले था, तो उसको कहते हैं रेजिलेंसी। जैसे कॉटन और वूल में कंपैरिजन करो, देखो वूल स्वेटर्स अब सर्दी के बाद जब निकालते हैं तो उनको हैंग कर उसमें थोड़ी थोड़ी सी क्रीज बन जाती है जहाँ जहाँ से वो मुड़े होते हैं, और उनको हैंग करके रख दो थोड़ी देर के लिए तो वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, वो क्रीज उनकी बिगड़ जाती है। ऐसे ही कॉटन, कॉटन को प्रेस करके रखा, उसके बाद उसको अगर हैंग कर दो हैंगर में तो उसकी प्रेस की क्रीज नहीं बिगड़ती है, उसको कहते हैं रेजिलेंसी। रेजिलेंसी मीन्स जो क्लॉथ या फाइबर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए उसको कहते हैं रेजिलेंसी। तो वूल हाईली रेजिलेंट होता है। उसके बाद आती है स्ट्रेचिबिलिटी। स्ट्रेच मतलब इलास्टिक, कितनी इलास्टिसिटी है, तो वूल में इलास्टिसिटी होती है। देखो जब वूल का या कोई स्वेटर धो के जब उसको धुलने के बाद उसको हैंग करो हैंगर पे तो वो खिंच के लंबा दिखता है, तो ड्राई स्टेट में जब वो सूखा होता है तो स्ट्रेचिबिलिटी 10-30% होती है। जब वूल जब गीला होता है तो उसकी स्ट्रेचिबिलिटी 40-50% होती है। मीन्स जब वूल सूखा होता है तो कम स्ट्रेच होता है, वूल जब गीला होता है, ऊन जब गीला होता है तो ज़्यादा स्ट्रेच करता है। श्रिंक एबिलिटी, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, तो वूल रेसिस्टेंट टू श्रिंक, वूल श्रिंक नहीं करता है। उसके बाद क्रिम्प्स, क्रिम्प्स वही जो ये क्रिम्प्स में ये करली जो स्ट्रक्चर, करली स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं क्रिम्प, और ये
ये क्रिम्स सिर्फ वूल में ही प्रेजेंट होते हैं, और जितने ज़्यादा क्रिम्स होंगे उतनी ज़्यादा फाइन वूल होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रिम्स होंगे वो वूल को स्पिन करने में, उनको एक साथ रखने में उतने ही हेल्पफुल होते हैं। तो ज़्यादा जितने ज़्यादा क्रिम्प होंगे उतनी ज़्यादा फाइन वूल होगी। इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वूल जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ठंडियों में देखो जब बाहर निकलो तो ओस पड़ती है, फॉग होता है, कोहरा होता है, तो वो स्वेटर सब एब्जॉर्ब कर लेता है, बट हमारी बॉडी में वो गीला गीला फील नहीं लगता है। तो विदाउट नेचर ऑफ वेट, मतलब ऊन गीले हुए बिन, उसको ऊन जो है वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है नेचर से, बट वो हमारी बॉडी पे गीला नहीं लगता है। इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेना। हीट कंडक्टिविटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता, एक तरफ से दूसरी तरफ हीट को नहीं जाने देता है। ऐसे इसलिए वूल जो वूल के फैब्रिक फाइबर्स, फैब्रिक या क्लॉथ होता है, उसको सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि सर्दी में वूल पहनने के बाद जो बॉडी की हीट है वो बॉडी में ही ट्रैप करके रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर की जो ठंड है उसको अंदर बॉडी के पास तक नहीं आने देता है। इसलिए सर्दियों में मोस्टली वूल के क्लॉथ्स प्रेफर किए जाते हैं। देन यूजेज ऑफ वूल, मेजोरिटी ऑफ वूल, ज़्यादातर वूल यूज होती है अप्रैल और ड्रेसेस में, विंटर्स में ड्रेसेस, होम फर्निशिंग, उसके बाद कोट्स, जैकेट, सूट्स, ड्रेसेस, ये जो कोट्स सब विंटर में पहनते हैं, कोट, जैकेट, सूट, वुलन क्लॉथ्स, इंडस्ट्रियल यूज एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उसके बाद आउटर एक्सपोर्ट करने के लिए भी वूल यूज़ किया जाता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज वन लाइनर प्रैक्टिस क्वेश्चन। वूल फाइबर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन नोन एज, वूल फाइबर जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन इज, आंसर इज केराटिन। इंटरलेसिंग ऑफ वुलन फाइबर इज नोन एज, वुलन फाइबर्स को इंटरलेस करके फैब्रिक बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर इज निटिंग। वूल टेकन बाय शियरिंग एनिमल, एनिमल को शियर करके जो वूल प्राप्त की जाती है, जो पर्सन इसको शियर करता है उसको कहते हैं शियरर। तो जो वूल शियर करके प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं फ्लीस वूल, FLEECE, फ्लीस वूल। और वूल टेकन फ्रॉम द साइड ऑफ स्लॉटर एनिमल, एनिमल को स्लॉटर करके, मीन्स जो मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं, उनसे जो वूल प्राप्त होती है उसको कहते हैं पुल्ड वूल। वॉशिंग ऑफ वूल, ये वॉशिंग ऑफ वूल इन अल्कलाइन सोल्यूशन, जब अल्कली सोल्यूशन में वूल फाइबर्स को धोते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग। और जो एसिडिक सोल्यूशन में धोते हैं उसको कहते हैं कार्बोनाइजिंग। इसके बाद आता है द प्रोसेस विच गिव्स मोर स्ट्रेटन एंड फाइनर यार्न, प्रोसेस जिससे ज़्यादा स्ट्रेट और ज़्यादा फाइन यार्न मिलते हैं उसको कहते हैं कॉम्बिंग और वरस्टेड यार्न। ये जो कॉम्बिंग वेस्टेड यार्न होते हैं ज़्यादा फाइनर, ज़्यादा स्ट्रेट और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं कंपेरेटिव अदर और दूसरे फाइबर्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट भी होते हैं। वेवीनेस ऑफ द वूल फाइबर इज, जो वेव्स, वेवीनेस, ऐसे फाइबर में जो वेवीनेस होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रिम्प्स। जितने ज़्यादा क्रिम्प होंगे उतना ज़्यादा फाइनर फैब्रिक होगा। दीज आर द आंसर्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।